नमस्कार, आज हम आपको सुनाएंगे एक डूबते हुए शहर की कहानी, और ये शहर है टिहरी। उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों या कहें उत्तराखंड की घाटियों में बसा टिहरी आज हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है, यानी पहाड़ों पर बांध बनाने का एक सपना। लेकिन इस सपने से दूर भी एक दुनिया है, और ये दुनिया है सुंदरलाल बहुगुणा की, जिनके लिए बांध का मतलब है विनाश। आइए देखते हैं एक और नजरिया। गढ़वाल की हरी भरी घाटियों में बसे टिहरी का इतिहास बेहद सुनहरा है। इसमें धूप है तो छांव भी है, और दिन है तो जाहिर है रात भी है ही। लेकिन टिहरी की असली तस्वीर अब धुंधलाने सी लगी है। कुछ ऐसा ही लगता है यहाँ के लोगों को, जो शहर किसी जमाने में गढ़वाली लोकगीतों की बयार में बह जाता था, आज वहां सन्नाटा है। और इस सन्नाटे को तोड़ती हुई कुछ आवाजें हैं और कुछ नारे हैं सुंदरलाल बहुगुणा के। शतयुग पुराणो धाम च सिमुख बाका पंडा से रोहे मात्यो दूपाणु कदा चौका। सुंदरलाल बहुगुणा की जिंदगी में शाम ढलते ही गंगा स्तुति के कई मायने हैं। भागीरथी नदी के किनारे पिछले 9 साल से उनका छोटा सा आशियाना है गंगा कुटी। हर चीज गंगा से जुड़ी हुई, और अब आखिरी उम्मीद भी गंगा से ही, जिसे वो अपनी माँ मानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? अनादिकाल से हम नदी को माँ मानते रहे, नदी की माँ मानकर उसकी पूजा आराधना करते रहे, और आज हमने उसको व्यापार की वस्तु बना दिया। आज तो ये सारा जो शास्त्र है इनका बांध बनाने का, ये कहता है कि इस नदी में इतना पानी, और इस पानी से इतनी सिंचाई, और इस पानी से इतनी बिजली। तो जो इसका जो भावात्मक पहलू है, उसका पार्थिव उसमें उसका मूल्य नहीं लगा सकते। तकरीबन 20 साल से बांध का निर्माण कार्य, अब तक 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा, और पहाड़ी इलाके में बांध बनाने की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना। लेकिन इसके बावजूद आज टिहरी का चेहरा गमगीन है और कुछ घबराया हुआ सा। उसकी आवाज में भी एक डर है, एक दर्द है, और दर्द भी ऐसा जिसने आंदोलन की शक्ल ले ली है। नाते रिश्ते संपर्क गांव आजीविका के साधन और उनकी जड़ें, वो सब के सब समाप्त हो गए। मैंने आपसे कहा ना, ये सारा भूगोल और इतिहास जो है डूब जाएगा। भूगोल और इतिहास कैसे डूब जाएगा आपने कहा? देखिए, भूगोल तो इस तरह डूब गया कि हम कहते हैं कि साहब लोग जो हैं वो नदी के किनारे रहते हैं, है ना, यहाँ आबादी है बसी हुई,
वो घाटियाँ डूब जाएंगी और इतिहास इसलिए डूब जाएगा कि अब जैसे ये टेरी नगर है, ये टेरी नगर ऐतिहासिक नगर है। जब गढ़वाल का जो राज्य था, गोरखों के साथ जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने श्रीनगर ले ली, जो पुरानी राजधानी थी, और यहाँ पर राजधानी स्थापित हुई। और उसके बाद जो है यहाँ के गढ़वाल की सारी गतिविधियों का एक केंद्र रही। लेकिन एक नजरिया ये कि जब इतना बड़ा बांध बनाना है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा सभी जगह हुआ, फिर टिहरी में ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं? आखिर मुद्दा विकास का भी तो है। इस रीजन का तो विकास नहीं, विनाश होगा, क्योंकि रीजन ही नहीं रहेगा, है ना? और ये सबसे हास्यास्पद बात है कि जो लोग इसके लिए उजड़ रहे हैं, जो इलाका इसके लिए हो रहा है, उनको इससे कोई लाभ नहीं मिले, उनको एक बूंद पानी इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे जो कुछ पानी मिलेगा वो दूर दराज के इलाकों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को या दिल्ली को मिलेगा, है ना? उनके हिसाब से यहाँ मनुष्य रहते नहीं हैं। और बिजली जो है बनेगी यहाँ, भोजन यहाँ बनेगा, परोसा जाएगा मेरठ में, उसको सीधे यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। अब वो कौन सा विकास होगा इसका, सिवाय इसके यहाँ के लोग जो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं वो यहाँ से उजड़ जाएंगे, तो इसका तो विनाश होगा। हो सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के जो तर्क हैं वो सरकार की नज़र में गलत हों, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पीछे वर्षों से अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो इसकी भी कुछ वजह जरूर होगी। ये वजह जानने के लिए हमारी टीम ने टिहरी के गांवों में पूरे 2 दिन बिताए। नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे, लेकिन इन नतीजों पर हम बात करेंगे कार्यक्रम के दूसरे भाग में। Ma 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 ma